Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. So I know it's been a very, very, very long time since I have interacted with you guys. Hi, my lovelies. How are you all? So all of that, if you're new to my channel, do not forget to hit the subscribe button below because I will be back with back-to-back videos every week. So what are you guys waiting for? Subscribe. This video is all about, I have always made videos on what you should try, what have worked for me. So I thought, why not to keep you guys aware as well of the products which are not good. Means mere skin mein work nahi kiya, ho sakta bahut ki skin mein work kiya hoga, but the products which were just worst for me, I'm gonna share that with you guys. Obviously this is skincare edition. Agar aap logo hair care products bhi chahiye, then do let me know in the comment section below. Now let's get started with the number one product, which was the worst. I mean the worst product. I'm not gonna rank it. मतलब इस वे में तो नहीं कर रही हूँ मैं products को rank की worst से worst. अब मैं randomly बता रही हूँ एक 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 करके, ठीक है. तो सबसे पहला product जो सबसे बकवास था, that was this biotic papaya face scrub, like tan removal face scrub. मैंने इसको लिया था because papaya naturally, we all know कि natural papaya actually help करता है अगर आप raw लगाओगे आपके skin को bright and you know tan remove करने में. But यही सोच के मैंने इस product को order किया था. I was told, wow, this is papaya, this will be very good. So I just ordered it and it turned out so bad. I mean really it was very 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 bad. मतलब भाई मेरा पूरा एक डब्बा ख़त्म हो गया. कोई changes नहीं, कोई नहीं, literally कोई भी नहीं. 1% तो दिखता कि हाँ थोड़ा सा भी कुछ तो glow दिख, कुछ तो दिखता, कुछ भी नहीं. In fact this made my skin look much more dull. I don't know why मेरी skin और dull दिखने लग गई थी. I was so freaked out. I was like कि क्या है ये, पपाया एक्चुअली है भी कि नहीं है इसमें. सो दैट्स व्हाई दिस इज अ वेरी बैड प्रोडक्ट एंड मैं तो भाई इसको किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगी. नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस हिमालया टैन रिमूवल ऑरेंज फेस स्क्रब. या आई नो बहुत सारे टैन रिमूवल्स है, बट मैं क्या करूँ, अभी टैनिंग मुझे पसंद ही नहीं है. तब तक मुझे यू नो O3 के बारे में पता नहीं था, बच्ची थी ना. तो O3 सो मैंने उस पर वीडियो भी बनाया हुआ, आप सब लोग जाके देख भी सकते. दैट्स रियली वेरी गुड. अगर आपको टैन रिमूव करना है रियली जस्ट यूज़ O3 का प्रोफेशनल डी टैन पैक. सो दैट्स कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक, उसमें मैंने वीडियो बनाया. विल लीव द लिंक हियर फॉर यू गाइस टू चेक दैट वीडियो. सो या दिस प्रोडक्ट ऑल्सो आई हैव ट्राइड एंड this did not work at all. Ulta this made my skin much more, you know, थोड़ी ड्राई कर दिया था. ऐसे ही ड्राई है और ड्राई कर दिया था. सो ये तो मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगी. टैन तो घंटा रिमूव नहीं करता है एंड ड्राई भी कर दी थी स्किन को. इट जस्ट मेड माई स्किन टेक्सचर वेरी वियर्ड. आई विश मैं आप लोग को दिखा पाती, तब के कोई फोटो नहीं है मेरे पास. सो या वेरी बैड प्रोडक्ट. टैन तो बिल्कुल भी रिमूव नहीं करता. सो डोंट वेस्ट योर मनी ऑन दिस प्रोडक्ट. इज दिस चारकोल नो स्ट्रिप्स फॉर यू नो लाइक ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड रिमूवर. इसकी कोई स्पेसिफिक कंपनी नहीं है. इट जस्ट किसी भी कंपनी की आप ले रहे हो. दिस इज जस्ट नॉट अ गुड प्रोडक्ट. अगेन आई वुड जस्ट लाइक टू मैंशन कि ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ. एक्सपीरियंस इसके साथ वॉज नॉट गुड एंड आई गेस बहुतों का नॉट गुड, बिकॉज जब मुझे ये चीज़ रियलाइज हुआ कि इट्स जस्ट नॉट वर्किंग. एंड जब अपना उसको लाइक नोज में जो पूरे फेस वाला भी आता है उसको जब आप पूरा लगाते हो स्किन में, एंड वैन यू हैव टू टेक दैट आउट, माई गॉड दैट हर्ट्स लाइक इट हर्ट्स ब्रो. इट एक्चुअली हर्ट्स अ लॉट एंड इतना दुखता है यार. तब तो ऐसे क्या फेस रेजर वगैरह भी कुछ यूज़ नहीं करते रहते हेयर इन माई फेस. एंड वो जब खिंचाता था माई, आई डोंट वॉन्ट टू रिमेंबर इट. वो तो होता ही था एंड उसके बाद कुछ भी नहीं निकलता था, ना वाइट हेड निकलता था ना ब्लैक हेड निकलता था. इट जस्ट यूज टू गिव मी पेन, पथेटिक पेन विदाउट एनी रिजल्ट. प्रोडक्ट इज दिस नीविया प्रोटेक्ट एंड मॉइस्चराइजर SPF 30 बॉडी लोशन. सो सबको पता है कि SPF हमें लगाना ही चाहिए एंड SPF इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू नो फॉर अ गुड स्किन टेक्स्चर एंड टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम UVA UVB रेज. तो इसीलिए मैंने तब निविया का इसको ख़रीदा था. एज अगेन आई डिड नॉट न्यू एट बैक देन मैनी मोर गुड कंपनीज जो थी, मुझे सिर्फ निविया पता था. तो मुझे मैंने निविया का ही ख़रीदा एंड दिस इज सच इतना बुरा भी कोई SPF हो सकता नहीं. मुझे ये प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद पता चला वाइट कास्ट, मतलब इतना वाइट कास्ट. अब मैं इधर लगाऊंगी ना तो सिर्फ इतना सा जगह अलग से वाइट दिखेगा. मीन्स
यू गेट माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? इतना वाइट कास्ट है उस प्रोडक्ट में. हम सबको पता है कि बहुत सारे एसपीएस में वाइट कास्ट रहते हैं, बट थोड़ा मिनिमम रहता है. इसमें तो भर भर के मुझे ऐसा लगता है सिर्फ वाइट ही वाइट है. आई डोंट हैव दैट प्रोडक्ट राइट नाउ, अदरवाइज आई वुड हैव डेफिनेटली शोन यू. सो वो इतना वाइट कास्ट छोड़ता है, वाइट कास्ट कर रहा है. इट्स वेरी स्टिकी, इट्स वेरी 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 स्टिकी. मतलब ना चिप 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 लगता है ना. स्पेशली यार गर्मियों के दिन में जब मैं लगाती थी, एक इतनी चिप 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 होती थी, ऊपर से इतना वाइट दिखता था. मतलब ना मैं स्किन में भी लगाती थी ना, ये अलग से एक वाइटिश लुक आता था. एंड नॉट अ वेरी गुड वाइट, वेरी ईयू वाइट. मतलब दिखता ही था कि क्या चिप 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 लगा हुआ है स्किन में. हाँ, आई मीन आप उसको लगा के ना बाहर कहीं जा नहीं पाओगे. ऐसा ऐसा आपकी स्किन में वाइट लेयर वो कर देगा. सो दैट्स वाई दिस इज़ अ डेफिनेटली नो नो प्रोडक्ट. एंड ऑब्वियसली उसके बाद मैंने इसको कभी परचेस किया भी नहीं है, ना ही मैं कभी इसको किसी को भी. नेक्स्ट प्रोडक्ट विच इज दिस. इतना अच्छा एड था इसका, आई वॉज सो इम्प्रेस्ड विद द एड. मीन्स ओ माई गॉड, मैं बाहर से आऊँगी एंड मैं मस्त फेस वॉश करूँगी और मेरी स्किन की सारी 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 डर्ट्स निकल जाएंगी. मुझे ऐसा लगा था क्योंकि ऐसा ही एड में दिखाया था. दे डिड वेरी गुड जॉब विद द एडवर्टाइजमेंट आई मस्ट से. तो इसलिए मैंने खरीदा था. तो ओ माई गॉड, दैट मेक्स योर स्किन सो ड्राई, ड्राई टू ड्राई. आई मीन इतना ड्राई कर दिया था उसने मेरी स्किन को कि मुझे नहीं पता ऐसे वाले पिंपल्स होते हैं कि नहीं होते हैं, बट उसके बाद मेरे को पिंपल्स हो गए थे. मतलब एक तो ऑयल बहुत होने से सीबम एंड ऑयल के चलते हम लोग को पिंपल होता है, बट मेरी स्किन उसने इतनी ड्राई कर दी थी कि ड्राई पिंपल्स हो गए थे मेरे को. मीन्स आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन, आई विल नॉट इवन कॉल इट पिंपल. नहीं होते ना ऐसे छोटे छोटे टीनी टीनी दाने होते हैं, वो हो गए थे मुझे स्किन में. और मेरी स्किन इतनी ड्राई माय गॉड, इतनी इच्छी लगती थी मेरे को. तो ड्राई होने के बाद ऐसे होता है ना, बहुत ड्राई होने के बाद भी हमें स्किन बहुत रैश सी लगती है, तो वो मुझे मेरा फेस लग रहा था. एंड इट्स रियली वेरी बैड, इट्स डेफिनेटली नॉट फॉर माय स्किन. पता नहीं किसको सूट किया होगा, बट मुझे तो डेफिनेटली नहीं किया. दैट्स व्हाई दिस इज अ डेफिनेट नो. इतनी ड्राई स्किन मुझे तो नहीं चाहिए, मुझे टाइनी बम्स तो चाहिए ही नहीं अपने स्किन में. नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस नीविया सॉफ्ट मॉइस्चराइजर. माय गॉड, इतना हाइप्ड प्रोडक्ट है ये, इतना हाइप्ड प्रोडक्ट है ये. मतलब कहीं पर भी जाओ ना, हर जगह निकाल के मॉइस्चराइजर बोलो तो यही निकाल के दे देते हैं. दिस इज़ अगेन, मतलब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा पर बिकॉज दिस मेड माई स्किन एक्सट्रीमली ऑयली. मतलब नॉर्मल नॉर्मल क्यों नहीं रखते हो आप चीज़ें, बहुत ऑयली, बहुत ऑयल है इस प्रोडक्ट में, बहुत मतलब बहुत. और इतना ना लगाने के बाद बहुत ही अजीब सा लग रहा था. मतलब स्किन एकदम लगाने के बाद बहुत टू मच मॉइस्चराइजर. आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड हाउ टू एक्सप्लेन इट. इट जस्ट डिड नॉट लुक्ड गुड. बहुत बहुत ऑयली था, ऐसे ऐसे चुभ चुभ के ऑयल आ रहा था मेरे फेस में. सर मुझे ना टैप करना पड़ता था टिश्यू पेपर से, टिश्यू पेपर में भी ऑयल आ जाता था. अगर एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है गाइस तो मे बी डेट विल बी बेटर. मुझे बस ये प्रोडक्ट एक ही रीजन से अच्छा नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग था, विच वॉज नॉट नीडेड फॉर माई प्रोडक्ट. इज दिस लोटस नाइट क्रीम. इस प्रोडक्ट को किसी ने मुझे रिकमेंड किया था इसलिए खरीदा था. लेवल लाइक कि इट्स वेरी गुड, रात को ओवरऑल स्किन रिपेयर होती है एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल. सो इसलिए मैंने इसको खरीदा था. आई वॉज लाइक कि इज इट लाइक सच्ची है, इतना अच्छा है तो ठीक है खरीद के देखते हैं. तो फिर मैंने जब उसको खरीदा था तो मतलब नो लाइक नो बैड रिव्यूज़, कुछ हुआ नहीं था मेरी स्किन में. बट कोई कुछ मतलब कुछ भी नहीं हुआ था, नॉट बैड नॉट गुड, कोई डिफरेंस ही नहीं था. मतलब मुझे लगा कि अगर मैं इतना लाइक 500-600 रुपीज़ देकर कोई प्रोडक्ट को ख़रीद रही हूँ तो मुझे उसका कुछ तो फीडबैक मिलना चाहिए, राइट? लाइक ऑब्वियसली आप लोग भी ये चीज़ तो चाहती होगा ना कि आप लोगों को कुछ तो उसका रिजल्ट दिखे फेस में, इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग 500-600 रुपीज़. तो मैंने भी उस चीज़ को सोचा और मुझे तो रिकमेंड किया गया था इसलिए मैंने लिया था, मेरे फ्रेंड्स ने बोला था मुझे. तो आई डोंट नो उन पर मे बी वर्क किया होगा, बट मुझ पर तो बिल्कुल वर्क नहीं किया. तो उसको बोला भी था कि आर यू सीरियस, लाइक मैंने पूरे बॉटल ख़त्म कर दी. मुझे मेरी स्किन जैसी थी अभी भी वैसी दिख रही है, कोई ओवरऑल नाइट रिपेयर तो मुझे नहीं दिख रहा है मेरी स्किन में. सो या दैट्स वाई आई डोंट रिकमेंड दिस प्रोडक्ट एज वेल, बिकॉज कोई डिफरेंस ही नहीं है. प्रोडक्ट इज दिस मामा अर्थ उपटन फेस वॉश. आई मीन इतना हाइप्ड प्रोडक्ट है गाइस, ये इतना हाइप प्रोडक्ट कहीं भी चले जाओ इसके रिव्यूज 4.5 एंड ऑल के अबव भी रहने वाले हैं. यही देख के मैंने भी इस प्रोडक्ट को खरीदा था. वाज लाइक कि उपटन टर्मरिक, टर्मरिक इज गुड फॉर स्किन, सो ये सोच के मैंने खरीद लिया था. तो माय गुडनेस,
this is not at all good product because this made my skin dry, this पिंपल आ गए थे मेरे को, मुझे ये यहाँ पे ये तीनों जगह मुझे पिंपल आ गए थे. एंड रियली यू वोंट बिलीव, जैसे ही मैंने फिर ना, मुझे लग रहा था कि मुझे फेस वॉश के चलते ही आ रहे कि कुछ और रीज़न है, तो मैंने ट्राई करने के लिए आई विल ऑलवेज रिकमेंड अ फेस वॉश विच वर्क लाइक मिरेकल फॉर मी, सम कॉचर टी ट्री फेस वॉश ना, तो उसको मैंने यूज़ किया, मेरे पूरे पिंपल चले गए, मेरी स्किन स्टार्टेड ग्लोइंग. और उसके बाद फिर वापस से मैंने उपटन वाला लाइक फेस वॉश यूज़ करना ट्राई किया, तो वापस मेरी स्किन में ब्रेकआउट्स हो गए, मुझे पिंपल्स आ गए. तो तब मुझे रियलाइज हुआ दिस इज़ नॉट एट ऑल अ गुड प्रोडक्ट फॉर माई स्किन टाइप एंड डेफिनेटली आई एम नॉट गोना रिकमेंड इट टू एनी वन. उसके बाद मेरे जितने भी दोस्तों ने मुझे पूछा था ना मामा अर्थ का ये उपटन वाला अच्छा है क्या, तो मैंने बोला नो ब्रो मत यूज़ करो, मेरा तो ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस है, इफ़ यू वॉन्ट टू गिव इट अ ट्राई यू कैन, यू आर फ्री, बट दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोना रिकमेंड इट टू एनी वन, दिस वॉज वेरी बैड. द वीडियो कम्स टू एन एंड, आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो, एंड पसंद आया तो प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. एंड जिस किसी को भी लगता है आपको इस वीडियो को शेयर करना चाहिए, प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड या आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट वीक. बाय, टेक केयर.